नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की आवाज। आइए जानते हैं इस वक्त की कुछ मुख्य खबरें। बिहार के दरभंगा जिले से आ रही है जहां पंचायत चुनाव के दौरान एसएसपी के काफिले पर पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तीसरे चरण के दौरान दरभंगा के बहेड़ी के हावीडी बसकट्टी गांव में एसएसपी बाबूराम गश्ती के लिए निकले थे। इसी दौरान उनके काफिले पर स्थानीय लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना में एसएसपी के काफिले में शामिल वाहन का शीशा टूट गया है। बताया जाता है कि पंचायत चुनाव के दौरान हिरासत में लिए गए कुछ संदिग्ध लोगों को छुड़ाने के लिए असामाजिक तत्वों द्वारा यह काम किया गया है। हालांकि इसके तुरंत बाद मौके पर पुलिस का पूरा दल बल पत्थरबाजी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है। इस मामले को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि गांव में एक बूथ के पास जमा स्थानीय लोगों को वहां हटाने की वजह से भी यह घटना हुई है। बूथ के पास हटाने से उग्र लोगों ने ही एसएसपी के काफिले पर पत्थरबाजी की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बिहार पंचायत चुनाव के दौरान गश्ती पर निकले दरभंगा एसएसपी बाबूराम इस घटना में बाल बाल बच गए हैं। हालांकि एसएसपी के साथ चल रहे पुलिस के दो गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। इस दौरान मामले को बिगड़ता देख जैसे तैसे किसी तरह काफिले को आगे निकाला गया। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एसएसपी मौके पर पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अच्छी बात यह रही कि एसएसपी के सूझबूझ के कारण पत्थरबाजी में कोई भी पुलिसकर्मी जख्मी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के हावीडी बसकट्टी गांव में मतदान बूथ पर एक उम्मीदवार के समर्थक द्वारा दबंगई की जा रही थी, तभी एसएसपी खुद वहां पहुंच गए और कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इसी व्यक्ति को छुड़ाने के लिए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और देखते ही देखते एसएसपी के काफिले पर पत्थरबाजी भी करने लगे। एसएसपी बाबूराम ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वे जब हावीडी के इस बूथ पर पहुंचे तो एक प्रत्याशी के समर्थक बूथ पर दबंगई दिखा रहे थे, उसी समय कुछ लोगों हिरासत में लिया गया। दरभंगा जिला से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। यहाँ पर एक कैंडिडेट विशेष के परिवार के लोग मतदान केंद्र के नज़दीक काफ़ी अपने समर्थकों का जमावड़ा लगाए हुए थे। इसमें से हमारी पुलिस ने तीन लोगों को घंटी गिरफ्तारी के लिए गाड़ी में बिठाया था। और जब पुलिस की गाड़ियाँ जाने लगी तो पीछे से कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, जो दूसरी गाड़ी में पत्थर लगे और कोई विशेष बात नहीं हुई है। मतदान जो है पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से सुचारू रूप से जारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों को गिरफ्तारी किया गया है, कुछ लोगों का नाम आया है जिन्होंने पत्थर फेंका है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुए थे? जख्मी कोई नहीं है। गाड़ी में बैठने के बाद जब प्रस्थान कर गए तब पीछे से पत्थर फेंका है, तो गाड़ी का शीशा कुछ डैमेज हो गया, कोई विशेष नुकसान नहीं है और कहीं कोई समस्या नहीं है। तो बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल हुई जाती हैं? हाँ, विशेषकर जो कैंडिडेट हैं उसके परिवार की महिलाएं ही यहाँ पर ज़्यादातर थी और उसके साथ में और कुछ लोग थे, नंबर लोग थे, उसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी है। शेष की गिरफ्तारी जल्दी आ रही कर ली जाएगी।